अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको मुमरा पुलिस के एक बहुत बड़े कारनामे की खबर बता रहे हैं, मगर मुमरा पुलिस की इस मेहनत पर न्यायालय के एक आदेश ने जो है पूरी तरीके से पानी भी फेर दिया। दरअसल दीवा की बढ़ती आबादी, बढ़ती लोक संख्या, जिसके चलते मुमरा पुलिस स्टेशन की ओर से दीवा के लिए एक अलग से डिटेक्शन ब्रांच का जो है यूनिट बनाया गया है। दीवा में घटने वाले अपराधों और वहां पर होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए खास करके ये डिटेक्शन ब्रांच का जो है गठन वहां पर पुलिस उपायुक्त डॉक्टर डीएस स्वामी, सहायक पुलिस आयुक्त रमेश धुमाल और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोर पासलकर इनके निगरानी में ये तैनात किया गया है, जिसमें फिलहाल सहायक पुलिस निरीक्षक क्षीरसागर, पुलिस उप निरीक्षक सरडे ये कार्यरत है। मंगलवार 27 नवंबर के दिन दीवा डिटेक्शन ब्रांच में काम करने वाले मुमरा पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों को खबर मिली थी कि एक व्यक्ति जो है भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर के रिक्शा में उन्हें ढो करके ले जाने वाला है। इस खबर की जब हमने पूरी पुलिस की टीम से बातचीत करके पड़ताल की तो उन्होंने बताया था कि ये खबर उनके पास लगभग पिछले हफ्ते 10 दिन से थी और 10 दिन से जो है कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी रात, ऐसा अलग अलग वक्तों में जो है इन्होंने ट्रैप लगाया, लेकिन टाइमिंग चूकने की वजह से ट्रैप उनका सक्सेस नहीं हो रहा था। आखिरकार 27 नवंबर के दिन यानी मंगलवार के दिन जो है ये ट्रैप उनका सक्सेस हुआ। सक्सेस होने के बाद रिक्शा में जो है एक व्यक्ति भारी मात्रा में डिटोनेटर और जिलेटिन लेकर जा रहा था, तो इस पूरी टीम ने जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया ये ट्रैप लगाने के लिए। कैसा ट्रैप लगाया जाए, क्या किया जाए, तो सहायक पुलिस निरीक्षक क्षीरसागर, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर सरडे, पुलिस उप निरीक्षक मेहत्रे, उनके साथ जो है पुलिस नाइक कैलाश पादीर, पुलिस नाइक मोरे, पुलिस कांस्टेबल क्षीरसागर, पुलिस नाइक जाधव और खरात, इस पूरी टीम ने अपने वरिष्ठों के निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में ट्रैप लगाया और इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जो है 250 जिलेटिन की कांडियां और 250 कैप के साथ डिटोनेटर इन्होंने इस व्यक्ति के पास से बरामद किए। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद करने के बाद इस आरोपी से जो है, इस व्यक्ति से जिसका नाम गुलाब सिंह रावत सिंह सोलंकी है, हम आपको उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं कि कौन है गुलाब सिंह, इससे जो प्राथमिक पूछताछ यानी कि प्रिलिमिनरी स्टेज की जो पूछताछ पुलिस ने की थी उससे पता चला था कि ये बहुत बड़ा एक रैकेट है जो विस्फोटों की सप्लाई करता है, बहुत सारी जगहों पर करता है, अवैध रूप से जो है जिलेटिन, डिटोनेटर और अन्य जो है विस्फोटक सामग्री का जो है अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। लेकिन उसके लिए पुलिस रिमांड की आवश्यकता थी, जिसके चलते मुमरा पुलिस ने जब 28 तारीख को गुलाब सिंह रावत सिंह सोलंकी को थाने के न्यायालय में पेश किया तो न्यायाधीश इंगले ने सरकार पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की जीरा सुनने के बाद गुलाब सिंह रावत सिंह सोलंकी की रवानगी जो है वो मैजिस्ट्रेट कस्टडी में कर दी, यानी कोई रिमांड नहीं दिया, जिसके चलते इस केस की अवैध विस्फोटकों की ये जो तस्करी चल रही है, इसके बेचने का इतना एक बड़े पैमाने पर कारोबार चल रहा है, उसकी जांच यहीं पर जो है रुक गई। अब पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जो है विधि विभाग की मदद से दोबारा उनके परामर्श के तहत, उनकी सलाह के तहत जो है इस आरोपी की कस्टडी कैसे मिले और कैसे इस जांच को आगे बढ़ा करके विस्फोटकों की ये तस्करी, ये एक्सप्लोजिव की जो ये स्मगलिंग है, इसके रैकेट का पर्दाफाश कैसे किया जाए, इन कोशिशों में लगे हुए हैं। मुमरा पुलिस द्वारा दीवा के लिए बनाए गए डिटेक्शन स्टाफ ने किस तरह से दीवा आगासन रोड पर गुलाब सिंह रावत सिंह सोलंकी को भारी मात्रा में विस्फोटक यानी 250 जिलेटिन, 250 कैप के साथ डिटोनेटर के साथ पकड़ा और किस तरह से न्यायालय ने उसे सीधे मैजिस्ट्रेट कस्टडी यानी जेल कस्टडी में भेज दिया, जिससे पुलिस की जांच रुक गई और एक बड़े विस्फोटक सामग्री का जो है अवैध व्यापार करने वाले, तस्करी करने वाले गिरोह का राजफाश होने से फिलहाल रुक गया। इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी ये खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।